अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यम्मी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम शीरा भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल इंस्टेंट बन जाती है। तो मैंने इसके लिए एक पॉट ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसे रवा भी कहा जाता है। इसे मैं हल्की आँच पर रोस्ट करूँगी। बीच बीच में हम फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, बट इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे लाल नहीं होने देना है, बिकॉज़ अगर ये लाल हो जाएगी तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हम इसे कंटिन्यू स्टीर करते रहेंगे ताकि ये कहीं से जले ना। स्टीर करते करते हमें हल्की सी इसकी खुशबू आएगी। जब ये भुनने लगे और खुशबू आए, तब हम इसमें 4 टेबल स्पून के आसपास घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून घी डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों को बिल्कुल यकजा कर देना है, ताकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ना रहें। यहाँ पर फिर मैंने इन दोनों को स्टीर किया, मिक्स कर दिया। फिर हमें एक अलग सी खुशबू आएगी कि हाँ, ये इसमें रोस्ट हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, इसे यहाँ डाल दिया। बट यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि हमारे हाथों पर छींटे ना आए। फिर मैं इसे स्टीर करूँगी, कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पर मैंने 1/2 पिंच के आसपास कार्डेमम पाउडर यूज़ किया है। फिर चलाऊँगी ताकि नीचे ना जले। चलाते चलाते ये थोड़ी सी सूख गई है। दूध सूखने के बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप के आसपास शक्कर यूज़ की है। फिर मैं यहाँ पर इसे मिक्स करूँगी। हमें कंटिन्यू स्टीर करना है। यहाँ पर मैं रोज़ का एसेंस यूज़ कर रही हूँ, जो कि सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। डिज़र्ट वगैरह में मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इसे, जहाँ पर इसका टेस्ट जो है काफ़ी एनहांस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं रोज़ एसेंस के। फिर मिक्स किया। बीच बीच में हम मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एलमंड्स ले लिए हैं, 8 to 10 एलमंड्स लिए हैं, इन्हें काट लिया था। फिर मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया। इसे जब तक चलाते रहना है जब तक ये ना सूखे। अब हमारा दूध पूरा सूख चुका है और हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मैंने इसे सर्व किया था, काफ़ी टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिए। हम फेस्टिवल्स वगैरह में तो बनाते ही हैं, डेली भी इसे खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।